اللهم <سؤال> صل <سؤال> على محمد و آله <سؤال> وصحبه وسلم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया के एक साहब यानी खुदा आपने कहा या रसूल अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है आ, हजरत फरमाया ये कि तुम अल्लाह का किसी को शरीक ठहराओ जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है पूछा फिर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फिर ये कि तुम अपने लड़के को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा पूछा फिर कौन फरमाया फिर ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो फिर अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक में ये आयत नाजिल की और वो लोग जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मबूद को नहीं पुकारते और न किसी ऐसे इंसान की नाहक जान लेते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया है और न जना करते हैं और जो कोई ऐसा करेगा आखिर आयत तक सही बुखारी हदीस समझ छः हज़ार आठ सौ इकसठ इबन उमर दी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन उस वक्त तक अपने दीन के बारे में बराबर कुशादा रहता है उसे हर वक्त मगफ़रत की उम्मीद रहती है जब तक नाहक खून ना करे जहाँ नाहक किया तो मगफरत का दरवाज़ा तंग हो जाता है सही बुखारी हदीस तमर् हज़ार आठ सौ बासठ इसहाक़ बिन सईद ने बयान किया उन्होंने कहा मैंने अपने वालिद से सुना वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह अलील्ला से बयान करते थे कि हलाकत का भंवर जिसमें गिरने के बाद फिर निकलने की उम्मीद नहीं है वो नाहक खून करना है जिसको अल्लाह ताली ने हराम किया है सही बुखारी हदीस तमर् हज़ार आठ सौ तिरसठ अब्दुल्लह रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्ह वसम ने फ़रमाया सबसे पहले क़्यामत के दिन लोगों के दरमियान खून खराबे के फ़ैसले जात किए जाएंगे सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ चौंसठ मकदाद बिन उमरकंदीर रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया बदर की लड़ाई में नबी करीम सल्ला के साथ थे क्या आपने पूछा या रसूल सल्ला अगर जंग के दौरान मेरी किसी काफिर से मुठभेड़ हो जाए और हम एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करने लगे फिर वो मेरे हाथ पर अपनी तलवार मारकर उसे काट दे और उसके बाद किसी दरख्त की आड़ लेकर कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया तो क्या मैं उसे उसके अकरार के बाद कत्ल कर सकता हूँ आ हज़र सल वसलम ने फ़रमाया कि उसे कत्ल न करना उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उसने तो मेरा हाथ भी काट डाला और ये क़रार उस वक्त किया जब उसे यकीन हो गया कि अब मैं उसे कत्ल ही कर दूँगा आ हज़र सल्ला वम ने फ़रमाया उसे कत्ल न करना क्योंकि अगर तुमने उसे इस्लाम लाने के बाद कत्ल कर दिया तो वो तुम्हारे मर्तबे में होगा जो तुम्हारा उसे कत्ल से पहले था यानी मासूम मालूम उद्दम और तुम इसके मरतबे में होगे जो उसका इस कलमे के अकरार से पहले था जो उसने अब किया है यानि ालिम मबाह उद्दम सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ पैंसठ इब्न अब्बास रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मकदाद रदी अल्लाह से फ़रमाया था कि अगर कोई मुसलमान काफिरों के साथ रहता हो फिर वो डर के मारे अपना ईमान छुपाता हो अगर वह अपना ईमान जाहिर कर दे और तू उसको मार डाले ये क्यों कर दुरुस्त होगा उ तू भी तो मक्के में पहले अपना ईमान छुपाता था सही बुखारी हदीस नंबर छः हजार आठ सौ छियासठ सूफियान बिन आइना ने बयान किया उनसे आमिश ने उनसे अब्दुल्लाह बिन मरा ने उनसे मसरूक ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने कि नबी करीम सली वम ने फरमाया जो जान नाहक कत्ल की जाए उसके गुनाह का एक हिस्सा आदम सलाम के पहले बेटे काबिल पर पड़ता है सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ सड़सठ वाक़ बिन अब्दुल्ला ने खबर दी उन्होंने कहा मुझको मेरे वाल ने और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह उन्हह से बयान किया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरे बाद काफिर न बन जाना कि तुम में से बाज बाज़ की गर्दन मारने लग जाएँ सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ अड़सठ जरीर बिन अब्दुल्लह बिजली रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सजतुलवा के दिन फ़रमाया लोगों को खामोश करा दो फिर फ़रमाया तुम मेरे बात काफिर न बन जाना कि तुम में से बाज बाज के गर्दन मारने लगे इस हदीस की रिवायत अबू बकर और इब्ने अब्बास अल्लाह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ उनहत्तर अब्दुल्ला बिन उमरदी उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कबीरा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना वालिदैन की नाफ़रमानी करना या फरमाया कि ना दूसरे का माल लेने के लिए झूठी कसम खाना है शक शोबा को था और माज़ ने बयान किया उनसे से शोबा ने बयान किया कहा कि कबीरा गुना अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना किसी का माल नाहक लेने के लिए झूठी कसम खाना और वालदेन की नाफरमानी करना या कहा कि किसी की जान लेना सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ सत्तर अबैदुल्ल बबी बकर ने बयान किया उन्होंने हज़रतनस बिन मालिक रदील्ला से सुना कि नबी करीम सलील्ह वसलम ने फ़रमाया गुना कबीरा दूसरी सनद और हमसे उम्रों ने बयान किया जो मरजौक़ के बेटे हैं कहा हमसे से शाबा ने बयान किया उनसे अबू बकर ने और उनसे हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सलील्हु वसल्लम ने फ़रमाया सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना किसी की ना जान लेना वालदे की नाफरमानी करना और झूठ बोलना है या फरमाया कि झूठी गवाही देना सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ इकहत्तर अबू जबियान ने बयान किया कहा कि मैंने उसामा बिन जैद बिन अल्लाह सरअल्ला से सुना उन्होंने बयान करते हुए कहा कि हमें रसूल अलैहि वसल्लम ने कबीला जहीना की एक शाह की तरफ मुहिम पर भेजा बयान किया कि फिर हमने उन लोगों को सुबह के वक्त जा लिया और उन्हें शिकस्त दे दी रावी ने बयान किया कि मैं और कबीला अनसार के एक साहब कबीला जहीनिया के एक शख्स तक पहुँचे और जब हमने उसे घेर लिया तो उसने कहा कि ला इलाहा अला अंसारी सहाबी ने तो ये सुनते ही हाथ रोक लिया लेकिन मैंने अपने नेज़े से उसे कत्ल कर दिया रावी ने बयान किया कि जब हम वापस आए तो इस वाक़े की ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली बयान किया कि फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया उसामा क्या तुमने कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद उसे कत्ल कर डाला और मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने सिर्फ़ जान बचाने के लिए इसका इकरार किया था आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फ़रमाया तुमने उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद कतल कर डाला बयान किया कि अलैहि वसल्लम इस जुमले को इतनी दफ़ा दोहराते रहे कि मेरे दिल में यह ख़्वाहिश पैदा हो गई कि काश मैं इससे पहले मुसलमान ना हुआ होता सही बुखारी हदीसतम छः हज़ार आठ सौ बहत्तर इबादा बिन सामित रज़ी उन्होंने बयान किया कि मैं उन नकीबों में से था जिन्होंने मिना में लैलतलकबा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्ह वसम से बैत की थी हमने इसकी बेत अहद की थी कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे हम चोरी नहीं करेंगे जना नहीं करेंगे किसी की ना हक जान नहीं लेंगे जो अल्लाह ने हराम की है हम लूट मार नहीं करेंगे और आप सल अल्लाह वसम की नाफरमानी नहीं करेंगे और ये कि अगर हमने इस पर अमल किया तो हमें जन्नत मिलेगी और अगर हमने इनमें से किसी तरह का गुनाह किया तो उसका फ़ैसला अल्लाह तबार को ताल के यहाँ होगा सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ तिहत्तर नाफ़े ने बयान किया और उनसे अब्दुल्ला बिनुमरदी उन्होंने के नबी करीम सल्ला वसलम ने फ़रमाया जिसने हम पर हथियार उठाया वह हम में से नहीं है हज़रत अबू मूसा रदी अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लाम से यह हदीस रिवायत की है सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ चौहत्तर अब्दाल्रहमान बिन मुबारक ने बयान किया कहा हम से हमाद बिन जैद ने कहा हम से अयूब और यूनुस ने उनसे इमाम हसन बसरी ने उनसे अहनब बिन क़ाइस ने कि मैं इन साहब अली रदी बिन नबी तालब की जंग जमल में मदद के लिए तैयार था के अबू बकरारदी अल्ला उन्होंने से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने पूछा कहाँ का इरादा है मैंने कहा कि इन साहब की मदद के लिए जाना चाहता हूँ उन्होंने फ़रमाया कि वापस चले जाओ मैंने रसूल्ला सल्ला वसम से सुना है आ हज़रत सल्ला वसलम फरमाते थे कि जब दो मु मुसलमान तलवार खींच कर एक दूसरे से भिड़ जाएँ तो कातिल और मकतूल दोनों दो ज़ख़् में जाते हैं मैंने अर्ज़ किया यार रसूल अल्लाह सल्ह वसम एक तो कतिल था लेकिन मकतूल को सज़ा क्यों मिलेगी आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी अपने कतिल के कत्ल पर आमादा था सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ पिछहत्तर हमाम बिन यहया ने बयान किया उनसे कतादा ने और उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह उन्होंने कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान में रख कर कुचल दिया फिर उस लड़की से पूछा गया कि यह किसने किया है फलाने फलाने आखिर जब उस यहूदी का नाम लिया गया तो लड़की ने सर के इशारे से हाँ कहा फिर यहूदी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और उससे पूछ गछ की जाती रही यहाँ तक कि उसने जुर्म का इकरार कर लिया चनाचा तो उसका सर भी पत्थरों से कुचला गया सही बुखारी हदीस नंबर छः हजार आठ सौ छिहत्तर अनस बिन मालिक रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि मदीना मुनवरा में एक लड़की चांदी के जेवर पहने बाहर निकली रावी ने बयान किया कि फिर उसे एक यहूदी ने पत्थर से मार दिया जब उस नबी करीम वसल्लम के पास लाया गया तो अभी उसमें जान बाकी थी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें फ़लाने मारा है उस पर लड़की ने अपना सर इनकार के लिए उठाया फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें फ़लाने मारा है लड़की ने इस पर भी सर उठाया तीसरी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फ़लाने तुम्हें मारा है इस पर लड़की ने अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया इकरार करते हुए झुका लिया चनाचा आ हज़र सल्लाम ने उस शख्स को बुलाया तब आप सल्लाम ने दो पत्थरों से कुचल कर उसको कत्ल कर दिया सही बुखारी हदीस नंबर छः हजार आठ सौ सतहत्तर बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्ला ने फरमाया किसी मुसलमान का खून जो कलेमा ला मोहम्मद रसूल रसोल्ह वसलम का मानने वाला हो हलाल नहीं है अलबत् तीन सूरतों में जायज़ है जान के बदले जान लेने वाला शादीशुदा होकर जिना करने वाला और इस्लाम से निकल जाने वाला मुर्तद जमात को छोड़ देने वाला सही बुखारी हदीत समझे हज़ार आठ सौ अठहत्तर हज़रत अनसरदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि एक यहूदी ने एक लड़की को उसके चांदी के जेवर के लालच में मार डाला था उसने लड़की को पत्थर से मारा फिर लड़की नबी करीम सलील वसलम के पास लाई गई तो उसके जिसम में जान बाकी थी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हें फ़लाने मारा है उसने सर के इशारे से इनकार किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा क्या तुम्हें फ़लाने मारा है इस मरतबा भी उसने सर के इशारे से इनकार किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी मरतबा पूछा तो उसने सर के इशारे से अकरार किया चनाचा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को दो पत्थरों में कुचल कर कत्ल कर दिया सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ उनासी अबू नाइम ने बयान किया कहा हम से नाहवी ने उनसे से ने उनसे अबू अबूसलमा ने और उन से अबू हुरा रदी अल्लाह उन्होंने किबीला ख़ा के लोगों ने एक आदमी को कत्ल कर दिया था और अब्दुल्ल बिन रिजा ने कहा उनसे हरब बिन श्द्द्द्दाद ने उनसे से याहिजा बिन अबी कसीर ने उन से अबूसलमा बिन अब्दुलरहन ने बयान किया और उनसे अबू हुर रदील्लाहों ने बयान किया कि फ़तेह मक् के मौके पर कबीले نے बनी लेस के एक शख़्स इबन असोक को अपने जाहिलियत के मकतूल के बदले में कत्ल कर दिया था इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया अल्लाह ताला ने मक्का मकरमा से हाथियों के शाह यमन अब्राहा के लश्कर को रोक दिया था लेकिन उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को इस पर गलबा दिया हाँ ये मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ था और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा और मेरे लिए भी दिन को सिर्फ़ एक साथ के लिए अब उस वक्त से इसकी हरमत फिर कायम हो गई सुन लो इसका कांटा ना उखाड़ा जाए इसका दरख्त ना तराशा जाए और सिवाय इसके जो ऐलान करने का इरादा रखता है कोई भी यहाँ की गिरी हुई चीज़ ना उठाए और देखो जिसका कोई अजीज़ कत्ल कर दिया जाए तो उसे दो बातों में अख्तियार है या उसे उसका खून बहा दिया जाए या कसास दिया जाए ये बात सुनकर इस पर एक यमनी साहब अबू शाह नामी खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाज को मेरे लिए लिखवा दीजिए आ हज़र अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वाज़ अबू शाह के लिए लिख दो इसके बाद कुरैश के एक साहब अब्बास रदी अल्ला खड़े हुए और कहा या, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजखर घास की इजाज़त फ़रमा दीजिए क्योंकि हम इसे अपने घरों में और अपनी कब्रों में बिछाते हैं चुनाचा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़र घास उखाड़ने की इजाज़त दे दी सही बुखारी हदीस समर छः हज़ार आठ सौ अस्सी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदीला ने बयान किया कि बनी इसराइल में सिर्फ कसास का रिवाज था देत की सूरत नहीं थी फिर उस उम्मत के लिए यह हुक्म नाजिल हुआ कि कुतब आल को मकसास बकरा इबन अब्बास रद्ला उन्होंने कहा फमन आफिया से यही मुराद है कि मकतूल के वारिस कत्ल अमद में देत पर राज़ी हो जाएं और मारूफ से ये मुराद है कि मकतूल के वारिस दस्तूर के मुआफ़ कत्ल से देत का तकाजा करें व भी एहसान से यह मुराद है कि कतिल अच्छी तरह खुश दिली से देत अदा करे सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ इक्कासी इबन अब्बास उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नज़दीक लोगों मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मफगोज़ तीन तरह के लोग हैं हरम में ज्यादती करने वाला दूसरा जो इस्लाम में जाहलीत की रस्मों पर चलने का ख्वाहिशमंद हो तीसरे वो शख्स जो किसी आदमी का नाहक खून करने के लिए उसके पीछे लगे सही बुखारी हदीस समझ छः हज़ार आठ सौ बयासी अली बिन मसहर ने बयान किया उनसे हश्याम बिन उरवा ने उनसे उनके वालिद ने और उनसे हजरत आयशर आय अन्हा ने कि ने नेहद की लड़ाई में पहले शिकस्त खाई थी दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा मुझसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया उनसे अबू मरवान बिन अबी ज़करिया वास्ती ने बयान किया उनसे हिशाम ने उनसे से औरवा ने और उनसे हज़रत आयशा रदी अल्लाह ने बयान किया कि इबलीस अहद की लड़ाई में लोगों में चीखा अल्लाह के बंदो अपने पीछे वालों से मगर ये सुनते ही आगे के मुसलमान पीछे की तरफ पलट पड़े यहाँ तक कि मुसलमानों ने ग़लती में हुफ़ा रद्ला के वालिद हज़रत यमान रदी अल्लाह को कत्ल कर दिया इस पर हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद हैं मेरे वालिद, लेकिन उन्हें कत्ल ही कर डाला फिर हुफ़र रदी अल्लाह उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारी मफफरत करे बयान किया कि मश्रकिन में की एक जमात मैदान से भाग कर टाइफ तक पहुँच गई थी सही बुखारी हदीस सम हज़ार आठ सौ तेरासी अनस बिन मालिक रद्ला ने बयान किया कि एक यहूदी ने एक लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान में लेकर कुचल दिया था उस लड़की से पूछा गया कि ये तुम्हारे साथ किसने किया क्या फ़लाने किया है फ़लाने किया है आखिर जब उस यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने सर के इशारे से हाँ कहा फिर यहूदी लाया गया और उसने अकरार कर लिया चनाचा नबी करीम सलील वसलम के हुक्म से उसका भी सर पत्थर से कुचल दिया गया हमाम ने दो पत्थरों का जिक्र किया है सही बुखारी हदीस समर छः हज़ार आठ सौ चौरासी सईद ने बयान किया उनसे कतादा ने और उनसे अनस बिन मालिक रदी कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को एक लड़की के बदले में क़त्ल करा दिया था यहूदी ने उस लड़की को चांदी के ज़ेवरात के लालच में कत्ल कर दिया था सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ पचासी हज़रत आयशर रदी अल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लाम के मुँह में मरजुल के मौके पर आप अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमने दवा डाली आ अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे हलक़ में दवा न डालो लेकिन हमने समझा कि मरीज़ होने की वजह से दवा पीने से नफ़रत से कर रहे हैं लेकिन जब आपको होश हुआ तो फरमाया कि तुम जितने लोग घर में हो सबके हलक ज़बरदस्ती दवा डाली जाए सिवाय हज़रत अबासन हो के कि वो इस वक्त मौजूद नहीं थे सही बुखारी हदीस समझे हज़ार तारज ने बयान किया उन्होंने हज़रत अबू हुर उन्होंने सुना बयान किया कि उन्होंने रसूल सना आज़रत सल्ला ने फ़रमाया कि हम आखिरी उम्म हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे रहने वाले हैं सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ सत्तासी और इसी असनाद के साथ रिवायत है कि आ हज़रतली वसम ने फ़रमाया अगर कोई शख्स तेरे घर में किसी सुराख या जंगले वगैरह से तुमसे इजाज़त लिए बगैर झांक रहा हो और तुम उसे कंकरी मारो जिससे उसकी आंख फूट जाए तो तुम पर कोई सज़ा नहीं है सही बुखारी हदीस समझ छः हज़ार आठ सौ अट्ठासी याहिया ने बयान किया उनसे हमीद ने कि एक साहब नबी करीम सल्हु वसल्लम के घर में झांक रहे थे तो आज़रत सल्ला वसम ने उनकी तरफ तीर का फल बढ़ाया था मैंने पूछा कि यह हदीस तुमसे किसने बयान की है तो उन्होंने बयान किया हजरत अनस बिन मालिक रदी सही बुखारी 6, हजरत आयशरदी ने बयान किया किद की लड़ाई में मुशरकिन को पहले शिकस्त हो गई थी लेकिन इबलीस ने चिल्लाकर कहा अय्लाह के बंदू पीछे की तरफ वालों से बचो चनाचा आगे के लोग पलट पड़े और आगे वाले पीछे वालों से जो मुसलमान ही थे भिड़ गए अचानक रदी अल्लाह ने देखा तो उनके वालिद यमान रदी अल्लाह थे। थेफर रदी अल्लाह उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो ये तो मेरे वालिद हैं मेरे वालिद। बयान किया कि अल्लाह के कसम मुसलमान उन्हें कत्ल करके ही हटे इस पर हुफ़र रदी अल्लाह उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारी मखफरत करे और वन बयान किया कि इस वाक़े का सदमा हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह उन्हखिर वक्त तक रहा सही बुखारी हदीस नमर छः हजार आठ सौ नब्बे सलमा रदी अल्ला उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले जमात के एक साहब ने कहा आमिर हमें अपनी हदी सुनाइए उन्होंने हदी खानी शुरू की तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन साहब गा गा कर ऊँटों को हाँक रहे हैं लोगों ने कहा कि आमिर रदी अल्लाह उन्होंने हैं आज़रत सल्लाम ने फरमाया अ पर रहम करे सहावरदी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें आमिर आमिरदी अल्लाह से फ़ायदा क्यों नहीं उठाने दिया चुनाचा आमिरदी अल्लाह उसी रात को अपनी ही तलवार से शहीद हो गए लोगों ने कहा कि उनके अमाल बर्बाद हो गए उन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि एक यहूदी पर हमला करते वक्त खुद अपनी तलवार से ज़ख्मी हो गए थे जब मैं वापस आया और मैंने देखा कि लोग आपस में कह रहे हैं क्या आमिर उन्हों के अमाल बर्बाद हो गए तो मैं आज़रत सल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया अयल्ह के नबी सल्लाम आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों ये लोग कहते हैं कि आमिर अदी अल्लाह उन्होंने के सारे अमल बर्बाद हुए आज़रत सल्लाम ने फरमाया जो शख्स ये कहता है गलत कहता है आमिर को दोहरा अजर मिलेगा वह अल्लाह के रास्ते में मुशक्कत उठाने वाले और जहाद करने वाले थे और किस कत्ल का अजर इससे बढ़कर होगा सही बुखारी हदीस नंबर छः हजार आठ सौ इक्यानवे कतादा ने बयान किया कि मैंने जरारा बिन ओफा से सुना उनसे इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने कि एक शख्स ने एक शख्स के हाथ में दांत से काटा तो उसने अपना हाथ काटने वाले के मुंह में से खींच लिया जिससे उसके आगे के दो दांत टूट गए फिर दोनों अपना झगड़ा नबी करीम वसल्लम के पास लाए तो आ अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम अपने ही भाई को इस तरह दांत से काटते हो जैसे ऊंट काटता है तुम्हें दयत नहीं मिलेगी सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ बानवे अबू आसिम ने बयान किया उन जरीज ने उनसे अता ने सफ़ान बिन याला ने और उनसे उनके वालिद ने कहा कि मैं एक गज़बे में बाहर था और एक शख्स ने दांत से काट लिया था जिसकी वजह से उसके आगे वाले दांत टूट गए थे फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकदमे को बातिल करार देकर उसकी दयत नहीं दिलाई सही बुखारी हदीस समझे हज़ार आठ सौ तिरानवे हमीद तोयल ने बयान किया उनसे अल्लाह अनस अनसरदील्लाने कि नजर की बेटी ने एक लड़की के मुँह पर तमाचा मारा था और उसके दांत टूट गए थे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लाए तो हज़रतलीम ने कसास का हुक्म दिया सही बुखारी हदीस तमर छः हज़ार आठ सौ चौरानवे शाबा ने बयान किया उनसे कतादा ने उनसे अक्रमा ने और उनसे से इबन अब्बा सरदी अल्लाह उन्होंने कि नबी करीम सलील वसलम ने फरमाया और ये बराबर यानि छुंगलिया और अंगूठा देत में बराबर हैं सही बुखारी हदीस तमर छः हज़ार आठ सौ पंचानवे इब्न अब्बासरद्हों उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीमल्ह वसलम से इसी तरह सुना सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ छियानवे आयशरद्ह ने कहा हमने नबी करीम सल्ह वसम के मर्ज़ में आपके मुंह में ज़बरदस्ती दवा डाली हालाँकि हज़रत सल्ला वसम इशारा करते रहे कि दवा न डाली जाए लेकिन हमने समझा कि मरीज़ को दवा से जो नफ़रत होती है उसकी वजह से आ हज़रत आज़रत सल्लाम फ़रमा रहे हैं फिर जब आप सल्हुह वम को आफाका हुआ तो फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि दवा ना डालू बयान किया कि हमने अर्ज़ किया आपने दवा से नागवारी की वजह से ऐसा किया होगा इस पर आ हज़रत सल्लाह वसलम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के मुँह में दवा डाली जाए और मैं देखता रहूँगा सिवाय अब्बास हो के क्योंकि वो उस वक्त वहाँ मौजूद ही न थे सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ सत्तानवे सईद बिन उवैद ने बयान किया उनसे बशीर बिन यसार ने वो कहते थे कि कबीला अनसार के एक साहब सहल बिन अभी हसमा ने उन्हें ख़बर दी कि उनकी कौम के कुछ लोग खैबर गए और अपने अपने कामों के लिए मुख्तलिफ जगहों में अलग अलग गए फिर अपने में के एक शख्स को मकतूल पाया जिन्हें वह मकतूल मिले थे उनसे उन लोगों ने कहा हमारे साथी को तुमने कत्ल किया है उन्होंने कहा कि ना हमने कत्ल किया और न हमें कातिल का पता मालूम है फिर ये लोग नबी करीम सलील्हु वसल्लम के पास गए और कहा या रसूल अल्लाह सल्ह वसल्लम, हम खैबर गए और फिर हमने वहाँ अपने एक साथी को मकतूल पाया आज़रत सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में जो बड़ा है वो बात करे आज़रत सल्लाह वसम ने फ़रमाया कि कातिल के ख़िलाफ़ गवाही लाओ उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई गवाही नहीं है आ हज़रत वसल्लम ने फ़रमाया कि फिर ये यहूदी कसम खाएंगे और इनकी कसम पर फैसला होगा उन्होंने कहा कि यहूदियों की कसमों का कोई अतबार नहीं अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया कि मकतूल का खून रायगा जाए चनाचा आपने सदक़े के ऊंटों में से सौ ऊँट खुद ही देत में दिए सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार आठ सौ अट्ठानवे अबू कलाबा ने बयान किया कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक दिन दरबार आम किया और सबको इजाज़त दी लोग दाखिल हुए तो उन्होंने पूछा कसामा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है किसी ने कहा कि कसामा के ज़रिए कसास लेना हक़ है और खलफा ने इसके ज़रिए कसास लिया है इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कलाबा तुम्हारी क्या राय है और मुझे अवाम के साथ ला खड़ा कर दिया मैंने अर्ज़ किया मोमिनीन आपके पास अरब के सरदार और शरीफ लोग रहते हैं आपकी क्या राय होगी अगर उनमें से पचास आदमी किसी दमिश्क के शादीशुदा शख्स के बारे में जिना की गवाही दें जबकि उन लोगों ने उस शख़्स को देखा भी ना हो क्या आप उनकी गवाही पर उस शख्स को रजम कर देंगे मोमिनीन ने फरमाया कि नहीं फिर मैंने कहा आपका क्या ख्याल है अगर इन्हीं अशराफ अरब में पचास अफराद हम्स के किसी शख्स के मतलक़ चोरी की गवाही दे दें उसको बग़ैर देखे तो क्या आप उसका हाथ काट देंगे फरमाया कि नहीं फिर मैंने कहा बस खुदा की कसम के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तीन हालतों के सिवा कत्ल नहीं कराया एक वो शख्स जिसने किसी को जुल्मन कत्ल किया हो इसके बदले में क़त्ल किया गया हो दूसरा वो शख़्स जिसने शादी के बाद जिना किया हो तीसरा वो शख्स जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की हो और इस्लाम से फिर गया हो लोगों ने इस पर कहा क्या अनस बिन मालिक रदी अल्लाह उन्होंने यह हदीस नहीं बयान की है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने चोरी के मामले में हाथ पैर काट दिए और आँखों में सलाई फिरवाई थी और फिर उन्हें धूप में डलवा दिया था मैंने कहा कि मैं आप लोगों को हज़रत अनस बिन मालिक ऱी उन्होंने की हदीस सुनता हूँ मुझसे हज़रत अनस रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि कबीला अकल के आठ अफराद आ हज़रत वसल्लम के पास आए और आपसे इस्लाम पर ब्यात की फिर मदीना मुनवरा की आबो हवा उन्हें नामवाफ़ हुई और वो बीमार पड़ गए तो उन्होंने आ हज़रत अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि फिर क्यों नहीं तुम हमारे चरवाहे के साथ उसके ऊँटों में चले जाते और ऊँटों का दूध और उनका पेशाब पीते उन्होंने अर्ज़ किया क्यों नहीं चनाचा वो निकल गए और ऊँटों का दूध और पेशाब पिया और सेहतमंद हो गए और फिर उन्होंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर दिया और हंका ले गए इसकी इतला जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने उनकी तलाश में आदमी भेजे फिर वो पकड़े गए और लाए गए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उनके भी हाथ और पाँव काट दिए गए और उनकी आँखों में सिलाई फेर दी गई फिर उन्हें धूप में डलवा दिया और आखिर वो मर गए मैंने कहा कि उनके अमल से बढ़कर और जुर्म क्या हो सकता है इस्लाम से फिर गए और कत्ल किया और चोरी की अम्बसा बिन सईद ने कहा मैंने आज जैसी बात कभी नहीं सुनी थी मैंने कहा अम्बसा क्या तुम मेरी हदीस रद्द करते हो उन्होंने कहा कि नहीं आपने यह हदीस वाकई के मुताबिक बयान कर दी है वल्लाह अहले शाम के साथ उस वक्त तक खैर भलाई रहेगी जब तक ये शेख अबू कलाबा इनमें मौजूद रहेंगे मैंने कहा कि इस कसामा के सिलसिले में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है अनसार के कुछ लोग आपके पास आए और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की फिर उनमें से एक साहब उनके सामने ही निकले खैबर के इरादे से और वहाँ कत्ल कर दिए गए इसके बाद दूसरे साहब रज्लाह भी गए और देखा कि उनके साथी खून उन में तड़प रहे हैं इन लोगों ने वापस आकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला दी और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ ही कर रहे थे और अचानक वो हमें खैबर में ख़ून में तड़पते मिले फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और पूछा कि तुम्हारा किस पर शुबा है कि उन्होंने इनको कत्ल किया है सहाबर अल्लाह ने कहा कि हम समझते हैं कि यहूदियों ने ही कत्ल किया है फिर आपने यहूदियों को बुला भेजा और उनसे पूछा क्या तुमने इन्हें कत्ल किया है उन्होंने इनकार कर दिया आपने फ़रमाया क्या तुम मान जाओगे अगर पचास यहूदी इसकी कसम खा लें कि उन्होंने मकतूल को कत्ल नहीं किया सहावरतुम ने अर्ज़ किया ये लोग ज़रा भी परवाह नहीं करेंगे कि हम सब को कत्ल करने के बाद फिर कसम खा लें कि कत्ल उन्होंने नहीं किया है आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तुम में से पचास आदमी कसम खा लें और खून बहा के मुस्तक हो जाएँ सहावरद्ह ने अर्ज किया हम भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं हैं चनाचा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास से खून बहा दिया अबू कलाबा ने कहा कि मैंने कहा जमाने जाहिलियत में कबीला हज़ेल के लोगों ने अपने एक आदमी को अपने में से निकाल दिया था फिर वो शख्स बता में यमन के एक शख्स के घर रात को आया इतने में उनसे कोई शख्स बेदार हो गया और उसने इस पर तलवार से हमला करके कत्ल कर दिया इसके बाद हज़ेल के लोग आए और उन्होंने यमनी को जिसने कत्ल किया था पकड़कर हज़रत उमर मर रद्ला उन्होंने के पास ले गए आज के ज़माने में और कहा कि इसने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया है यमनी ने कहा कि उन्होंने इसे अपनी बरदरी से निकाल दिया था हज़रत उमर मद्लाों ने फरमाया कि अब हजेल के पचास आदमी इसकी कसम खाएं कि उन्होंने इसे निकाला नहीं था बयान किया कि फिर उनमें से उनचास आदमियों ने कसम खाई फिर उन्हीं के कबीले का एक शख्स शाम से आया तो उन्होंने इससे भी मुतालबा किया कि वो कसम खाए लेकिन उसने अपनी कसम के बदले में एक हज़ार दर हम देकर अपना पीछा कसम से छुड़ा लिया हजलियों ने उसकी जगह एक दूसरे आदमी को तैयार कर लिया फिर वो मकतूल के भाई के पास गया और अपना हाथ उसके हाथ से मिलाया उन्होंने बयान किया कि फिर हम पचास जिन्होंने कसम खाई थी रवाना हुए जब मकाम नखला पर पहुँचे तो बारिश ने उन्हें आ लिया सब लोग पहाड़ के एक गार में घुस गए और ग़ार उन पचासों के ऊपर गिर पड़ा जिन्होंने कसम खाई थी और सब के सब मर गए अलबत् दोनों हाथ मिलाने वाले बच गए लेकिन उनके पीछे एक पत्थर लुढ़क कर गिरा और उससे मकतूल के भाई की टांग टूट गई इसके बाद वह एक साल और जिंदा रहा फिर मर गया मैंने कहा कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कसामा पर एक शख्स से कसास ली थी फिर उसे अपने किए पर निदामत हुई और उसने उन पचासों के मुतल जिन्होंने कसम खाई थी हुक्म दिया और उनके नाम रजिस्टर से काट दिए गए फिर उन्होंने शाम भेज दिया सही बुखारी आठ सौ निन बिन अभी बकर बिन बकरस ने बयान किया और उनसे हजरत आदमी नबी करीम सल्हम के एक सल हजरे में झांकने लगा तो हजरत सल सहल बिन साद साद उन्होंने खबर दी के आदमी नबी करीम सल्लाह के दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांकने लगे उस वक्त आ अलैहि वसल्लम के पास लोहे का कंघा था जिससे आप सर झाड़ रहे थे जब आपने उसे देखा तो फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो तो मैं इसे तुम्हारी आँख में चुभो देता फिर आप ने फ़रमाया कि घर के अंदर आने का इज़्न लेने का हुक्म दिया गया है वो इसीलिए तो है कि नज़र न पड़े सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ एक हज़रत अबू हुरेरा रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि अबुलकासिम रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया अगर कोई शख्स तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम्हें जबकि तुम घर के अंदर हो झांक कर देखे और तुम उसे कंकरी मार दो जिससे उसकी आँख फूट जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है सही बुखारी हदीस नछे हज़ार नौ सौ दो मशरफ ने बयान किया कहा कि मैंने शाबी से सुना कहा कि मैंने अबू जहैफा से सुना उन्होंने बयान किया कि मैंने हजरत हज़रतली रज़ी अल्लाहों से पूछा क्या आपके पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ भी है जो कुरान मजीद में नहीं है और एक मरतबा उन्होंने इस तरह बयान किया कि जो लोगों के पास नहीं है इस पर उन्होंने कहा कि उस जत की कसम जिसने दाने से कोंपल को फाड़ कर निकाला है और मखलूक को पैदा किया हमारे पास कुरान मजीद के सिवा और कुछ नहीं है सिवाय समझ के जो किसी शख्स को उसकी किताब में दी जाए और जो कुछ इस सहीफे में है मैंने पूछा सहीफे में क्या है फरमाया खून बहा देहत से मुतक अहकाम और कैदी छुड़ाने का हुक्म और ये कि कोई मुसलमान किसी काफर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ तीन इसमाइल ने बयान किया उनसे इमाम मालिक र्ल ने उनसे से शहाब ने उनसे अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान ने और उनसे हज़रत अबू हुर उन्होंने कि कबीला हजैल की दो औरतों ने एक दूसरे को पत्थर से मारा जिससे एक के पेट का बच्चा जनेैन गिर गया फिर इसमें रसूल अल्लाह सल्लासम ने उसे एक ाम या कनीज़ देने का फ़ैसला किया सही बुखारी हदीस नमर छः हर शाम ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने उनसे मुग़ी बिन शोबा रजी अल्लाह उन्होंने हजरत हज़रतर रदी अल्लाह उन्होंने उनसे एक औरत के हमल गिरा देने के खून बहा के सिलसिले में मशवरा किया तो हज़रत मुग़रा रदी अल्लाह उन्होंने कहा नबी करीम अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम या कनीज़ का इस सिलसिले में फ़ैसला किया था सही बुखारी हदीस नमर छः हज़ार नौ सौ पाँच फिर हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह उन्होंने भी गवाही दी कि जब आ हज़रत हज़रतली ने इसका फ़ैसला किया था तो वो मौजूद थे सही बुखारी हदीस समर्छे हज़ार नौ सौ छः अबैदुल्लह बिन मूसा ने बयान किया उनसे है शाम ने उनसे उनके वालि ने कि हज़रत उमर रदी अल्लाह उन्होंने लोगों से कसम देकर पूछा कि किसने नबी करीम सल्ह वसम से हमल गिरने के सिलसिले में फ़ैसला सुना है म़ीरा रदी उन्होंने कहा कि मैंने आ हज़रत सल्लाह वसम से सुना है आपने इसमें एक गुलाम या कनीस देने का फ़ैसला किया था सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ सात जायदा ने बयान किया कहा हमसे हिशाम बिन ओरवा ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने उन्होंने मग़ैरा बिन शोबारदी अल्लाह से सुना वह अल्लाह उन्हों से बयान करते थे कि अमिर उलमिन ने उनसे औरत के हमल गिरा देने के खून बहा के सिलसिले में इसी तरह मशवरा किया था आखिर तक सही बुखारी हदीस नमर छः हजार नौ सौ आठ लेस बिन साब ने, ने उनसे सईद बिन मुसेब ने और उनसे हज़रत ने बनी लाहयान की एक औरत के जनैन के गिरने पर एक गुलाम या कनीज़ का फैसला किया था फिर वो औरत जिसके मुतिक आजरत सल्लाम ने देत देने का फैसला किया था उसका इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लाम ने फैसला किया कि उसकी मीरास उसके लड़कों और उसके शोहर को मिलेगी और देत उसके ददीहाल वालों को देनी होगी सही बुखारी हदीस समझ छः हज़ार नौ सौ नौ हज़रत अबू हुरार रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि बनी हजैल की दो औरतें आपस में लड़ीं और एक ने दूसरी औरत पर पत्थर फेंक मारा जिससे वो औरत अपने पेट के बच्चे जुनैन समेत मर गई फिर मकतूला के रिश्तेदार मुकदमा रसूल अल्लाह वसल्लम के दरबार में ले गए आ हज़र सल अल्लाह वसलम ने फैसला किया कि पेट के बच्चे का खून बहा एक गुलाम या कनीस देनी होगी और औरत के खून बहा को कातिल औरत के आकला औरत के बाप की तरफ से रिश्तेदार असबा के जिम्मा वाजिब करार दिया सही बुखारी हदीस समझे हज़ार हज़रत अनसरदी अल्लानों उन्होंने बयान किया कि जब अल्लाह सल्लासम मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रतल रद्ला मेरा हाथ पकड़ कर आ हज़रतल्ह वसम के पास लाए और कहा यह रसूल लाह सल्लाम अनस समझदार लड़का है और यह आपकी खिदमत करेगा हज़रत अनसरद उन्होंने बयान किया कि फिर मैंने आ हज़रतल्ह वसम की खिदमत सफ़र में भी की और घर पर भी वल्लाह आ हज़ूर सल्ला ने कभी मुझसे किसी चीज़ के जो मैंने कर दिया हो ये नहीं फ़रमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों किया और न किसी ऐसी चीज़ के मुतल जिसे मैंने न किया हो आपने ये नहीं फ़रमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों नहीं किया सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ ग्यारह हज़रत अबू हुररा रजी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि रसूल सल्लाम ने फ़रमाया चौपाए अगर किसी को जख्मी कर दें तो उनका खून बहा नहीं कुएं में गिरने का कोई खून बहा नहीं कान में दबने का कोई खून बहा नहीं और दफीना में पांचवा हिस्सा है सही बुखारी हदीस समझे हज़ार नौ सौ बारह मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया कहा हम से ने उन्होंने मोहम्मद बिन जियाद से उन्होंने अबू हुर रदी अल्लाह से उन्होंने आ अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया बेजुबान जानवर किसी को ज़ख्मी करे तो उसकी दयत कुछ नहीं है इसी तरह कान में काम करने से कोई नुकसान पहुँचे इसी तरह कुएं में काम करने से और जो काफरों का माल गढ़ा हुआ मिले उसमें से पाँचवा हिस्सा सरकार में लिया जाएगा सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ तेरह कैस बिन हफस ने बयान किया कहा हमसे अब्दुलवाहिद बिन जयाद ने कहा हमसे हसन बिन उमरो फ़कीमी ने कहा हमसे मुजाहिद ने उन्होंने अब्दुल्लाह बिन الله उन्होंने से उन्होंने आ वसल्लम से आपने फरमाया जो शख्स ऐसी जान को मार डाले जिससे अहद कर चुका हो उसकी अमान दे चुका हो जैसे जमी काफर को तो वो जन्नत की खुशबू भी न सूंघेगा चाहे जाए के इसमें दाखिल हो हालांकि बहिश्त की खुशबू चालीस बरस की राह से मालूम होती है सही बुखारी हदीस नंबर छः हजार नौ सौ चौदह मतरफ़ बिन तरीफ़ ने बयान किया कहा मैंने आमिर शाबी से सुना वो बयान करते थे मैंने अबू जफ़ा से सुना उन्होंने कहा मैंने अली रदी अल्लाह उन्हों से पूछा क्या तुम्हारे पास और भी कुछ आयतें या सूरतें हैं जो इस क़ुरान में नहीं हैं यानी मशहूर मसहफ़ में और कभी सुफियान बिन आइना ने यूँ कहा जो आम लोगों के पास नहीं है हज़रत अली रदी अल्लाह उन्होंने कहा कसम उस खुदा की जिसने दाना चीर कर उगाया और जान को पैदा किया हमारे पास इस क़ुरान के सिवा और कुछ नहीं है अलबत्त एक समझ है जो अल्लाह ताला अपनी किताब की जिसको चाहता है इनायत फरमाता है और वो जो इस वर्क़ में लिखा हुआ है अबू जैफ़ा ने कहा इस वर्क़ में क्या लिखा है उन्होंने कहा दयत और कैदी छुड़ाने के अहकाम और ये मसला के मुसलमान काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए सही बुखारी हदीस तम है अबू नाइम ने बयान किया कहा हमसे सुफियान सोरी ने उन्होंने उम्र बिन याहजा से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने अबू सद खिदरी रदी अल्ला उन्हों से उन्होंने आ हज़रत वसम से आपने फरमाया देखो और पैगंबरों से मुझको फजीलत मत दो सही बुखारी हदीस नमर 6916 हजार नौ सौ मोहम्मद बिन यूसुफ़ बेकनी ने बयान किया कहा हमसे सुफियान बिन आइना ने उन्होंने उम्र बिन याहजा माजनी से उन्होंने अपने वालद यह यह बिना मारा बिना बिल हसन माजनी से उन्होंने अबू सईद खदरी रजी अल्ला उन्होंने से उन्होंने कहा यहूद में से एक शख्स आ हज़रत सलील्हु वसम के पास आया उसको किसी ने तमाचा लगाया था कहने लगा ए महम्मद सली वसलम तुम्हारे असहाब में से एक अंसारी शख्स नाम नामालूम ने मुझको तमाचा मारा आपने लोगों से फ़रमाया उसको बुलाओ तो उन्होंने बुलाया वो हाजिर हुआ आपने पूछा तूने इसके मुंह पर तमाचा क्यों मारा वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ कि मैं यहूदियों पर से गुज़रा मैंने सुना यह यहूदी यूं कसम खा रहा था कसम उस परवरदिगार की जिसने मूसा अलैहि सलाम को सारे आदमियों में से चुन लिया मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो अफजल हैं और उस वक्त मुझको गुस्सा आ गया मैंने एक तमाचा लगाया उससे में ये ख़ता मुझसे हो गई आपने फरमाया देखो ख्याल रखो और पैगंबरों पर मुझको फजी लगना दो कयामत के दिन ऐसा होगा सब लोग अहबत खुदाबंदी से बेहोश हो जाएंगे फिर मैं सबसे पहले होश में आऊँगा क्या देखूँगा कि मूसा सलाम मुझसे भी पहले अर्श का एक कोना थामे खड़े हैं अब यह मैं नहीं जानता कि वो मुझसे पहले होश में आ जाएंगे या कोहे तूर पर जो दुनिया में बेहोश हो चुके थे उसके बदल वो आखिरत में बेहोश ही ना होंगे सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार नौ सौ सत्रह